दिग्रसित शहर में एनबीसी न्यूज चैनल की खबर का असर एक बार फिर सामने आया है। शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों के पैरों तले रौंद कर खुलेआम शुरू हुई अंग्रेजी मीडियम की स्कूलों की मनमानी पर एनबीसी न्यूज ने सोमवार को खबर जारी की थी, जिसके बाद तत्काल हरकत में आते हुए गुट शिक्षा अधिकारी मुकेश कोंडवार ने मंगलवार को न सिर्फ औचक जांच दस्ता गठित किया बल्कि अपनी टीम के साथ खुद भी सुबह सवेरे ही विभिन्न स्कूलों में पहुंचकर स्कूलों की जांच पड़ताल की। पेश है संवाददाता जुबैर खान की ये खास रिपोर्ट। बारिश के मौसम के चलते दिग्रस शहर में मंगलवार की सुबह सूरज की किरणें भले ही नजर नहीं आई, लेकिन हठधर्मी के गर्त में डूबे हुए शहर के चंद स्कूल प्रबंधनों द्वारा निर्मित मनमानी का अंधेरा शिक्षा विभाग की प्रखर सतर्कता से निश्चित रूप से दूर हुआ है। गुट शिक्षणाधिकारी मुकेश कोंडावार ने स्कूलों के औचक निरीक्षण के लिए जाँच दस्ता गठित कर मंगलवार को सुबह ही विभिन्न स्कूलों का दौरा किया। इस दस्ते में स्वयं गठ शिक्षणाधिकारी, 3 केंद्र प्रमुख, 6 विषय तज्ञ और 2 आईईडी यानी समावेशित शिक्षक तज्ञों का समावेश था। मालूम हो कि राज्य शिक्षा विभाग द्वारा और स्थानीय गठ शिक्षणाधिकारी द्वारा जारी हुए परिपत्रक में स्कूलें शुरू न करने के संदर्भ में स्पष्ट सूचना दी गई थी। बावजूद इसके लगातार नियमों का उल्लंघन कर कुछ स्कूल प्रबंधन अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। इस संदर्भ में एनबीसी न्यूज चैनल ने एक के बाद एक खबरें प्रकाशित की। ऐसे में सोमवार 26 जून को जारी हुई खबर के बाद स्थानीय शिक्षा विभाग हरकत में आया, जिसके परिणाम स्वरूप औचक जांच निरीक्षण किया गया। कल मैं एक मीटिंग के सिलसिले में जिला परिषद यवतमाल में था, तब आईएमबीसी चैनल आपके चैनल पे एक न्यूज प्रसारित हुई और आपका मुझे बैठ के लिए फोन आया था। इस वजह से मैं कल तो यहाँ पे उपस्थित नहीं था, तो बाइट नहीं दे सका। आपकी न्यूज़ देखने के बाद उसमें बताया गया था कि दिग्रस में शासन और प्रशासन दिग्रस की ओर से निर्देश दिए जाने के बावजूद भी कुछ स्कूलें शुरू है, इसलिए आज सवेरे से ही हमने शिक्षण विभाग पंचायत समिति दिग्रस के जो कर्मचारी अधिकारी है उनकी टीमें बनाई है और हर स्कूल को सवेरे आठ नौ और दस ऐसे 3 टाइम को विजिट देने के लिए उनको काम सौंपा गया है। जांच हर स्कूल की शुरू है, जिस तहत मैं प्रशिक्षण अधिकारी पंचायत समिति दिग्रस, मेरे साथ केंद्र प्रमुख दिग्रस और मेरे पंचायत शिक्षण विभाग के साथी, हम तीनों ने मिलकर स्कूल को आज विजिट किया, विद्या निकेतन स्कूल को। स्कूल शुरू है, कर्मचारी उपस्थित है, मुख्याध्यापक भी हमें मिले, परंतु स्कूल में निरीक्षण करने के बाद ये निदर्शन में आया कि स्कूल में एक भी बच्चा विद्यार्थी कक्षा से 1 से लेकर 12वीं तक आज के दिन में मौजूद नहीं था। इस बारे में हमने स्कूल के रिपोर्ट रजिस्टर में रिपोर्ट भी लिखी है और उनसे खुलासा भी मांगा है कि कल न्यूज़ में जो बच्चे स्कूल के से बाहर निकलते हुए दिख रहे थे वो क्यों बुलाए गए, किस कारण से वो स्कूल में आए, उसका खुलासा आज ही तत्काल कार्यालय को सौंपने के लिए उनको लिखित रूप से कहा गया है। मालूम हो कि इस औचक निरीक्षण में शहर की कुल 10 अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों का दौरा किया गया। इस दौरान कक्षाएं खाली और स्कूलें बंद थी, यानी स्कूलों में या स्कूल परिसर में दूर दूर तक विद्यार्थी नहीं थे। हम सब जानते हैं कि स्कूल का दौर विद्यार्थियों के जीवन का सबसे सुनहरा दौर होता है। असल मायनों में स्कूलों से ही देश और समाज का भविष्य तय होता है। स्कूलें सिर्फ औपचारिक शिक्षा केंद्र नहीं है, बल्कि स्कूल ही विद्यार्थियों के लिए अनुशासन और नागरिक कर्तव्यों की जिम्मेदारी का संस्कार केंद्र भी होती है। लेकिन आजकल स्कूलों के बीच हर चीज में प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ शुरू हो चुकी है, जिसमें शामिल कई स्कूलें ही नियम कायदों को लेकर गंभीर नहीं है। अगर यह स्कूल ही खुद नियम तोड़ेगी तो फिर विद्यार्थियों पर इसका भला क्या असर होगा? इस बात पर न सिर्फ गंभीरता से सोच विचार की प्रचंड जरूरत है, बल्कि यह विषय आत्म मंथन का भी है। एनबीसी न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।